La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. रमज़ान में नेकी और एहसान करने की फजीलत के ज़िम्न में आज पास चीज़ों को हम देखेंगे। पहले तो सदका व खैरात को देखते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का फरमान है, सुनन तिर्मिज़ी में हदीस आती है कि रमज़ान की खैरात अफजल खैरात है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग रमज़ान में ख़ास तौर पर कसरत से खैरात करते हैं। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रिवायत अब जो आपको सुना रहा हूँ, आपसे बयान कर रहा हूँ मैं, ये रिवायत मुसनद इमाम अहमद में आती है और फिर सुनन तिर्मिज़ी में भी आती है। और इमाम तिर्मिज़ी ने कहा है कि हादा हदीसुन सहीहुन, ये दर्जा सही की हदीस है कि जो शख्स किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराता है तो वो रोज़ेदार का सवाब कम किए बग़ैर इसके बराबर सवाब का मुस्तहिक होता है। सुभानअल्लाह। और इसी तरह फरमाया रवाहु तिबरानी, इमाम तबरानी ने इसको रिवायत किया है कि जो शख्स खाने पीने की किसी हलाल चीज़ के साथ किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराता है तो सारा रमज़ान फरिश्ते इसके लिए दुआएं करते रहते हैं और जिब्रील अलैहिस्सलाम लैलतुल कद्र में इसके लिए दुआ करते हैं। सुभानअल्लाह। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम खैरात करने में सबसे ज़्यादा सखी थे और रमज़ानुल मुबारक में जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको मिलते तो आप बहुत ही सखावत करते। इसको, इस रिवायत को इमाम बुखारी ने सही बुखारी में रिवायत किया है। तो सदका व खैरात से मुतालिक ये चंद बातें थीं जो अहादीस की किताबों में आती हैं और जिनका ताल्लुक रमज़ानुल मुबारक के महीने से है। सदका व खैरात सिर्फ रमज़ानुल मुबारक ही तक महदूद नहीं है, बल्कि रमज़ानुल मुबारक एक तरबियती कैंप है। इस तरबियती कैंप में हमें उन तमाम चीज़ों को हासिल करना चाहिए जो अल्लाह के मुकर्रब बंदा बनने के लिए एक बंदे को करने चाहिए और फिर सारा साल उन चीज़ों को कंटिन्यू रखना चाहिए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।